हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक योर फ्यूचर एंड दिस इज डॉक्टर विपिन गोयल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चाहे आपका पेपर यूपीएससी का है, सीजीएल का है, सीपीओ का है, किसी भी टाइप का आपका एग्जाम है जहाँ पे आपका एंशिएंट हिस्ट्री रहता है, वहाँ पे ये रोल प्ले करेंगे एंड इसको बहुत अच्छे से जो है आपने ढंग से सुनना है, ठीक है। अगर आप मेरा पहली बार चैनल देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे और बहुत सारे वीडियोज के लिंक मिलेंगे, वहां पे आप उन चीजों को भी चेक कर सकते हैं। क्लियर? सो आज के लेक्चर में हमारे टोटल क्वेश्चन है 10। सो 10 क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं जी, आज हमारा पहला क्वेश्चन जो बिंबिसारा है, बिंबिसारा किस वंश के जो है संस्थापक थे, फाउंडर थे, ठीक है। तो वो थे जी आपके हरिणका वंश। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिंबिसारा जो है वो हरिणका वंश के संस्थापक थे और बिंबिसारा का जो टाइम है उस टाइम पे बुधा भगवान का भी टाइम चल रहा है। तो कई बार आ जाता है कि बिंबिसारा वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ, सो आंसर इज बुध भगवान। क्लियर? नेक्स्ट है द ट्रेसेस ऑफ जनपदा एंड महाजनपदा। देखिए महाजनपदा का मतलब क्या है कि बहुत सारी बड़ी एक किंगडम। क्लियर? और महाजनपदा कितनी थी, महाजनपदा में जनपदा कितनी थी, 16। क्लियर? ये याद रखना है आपको, 16 जनपदा थी। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, बिल्कुल वैदिक में भी मिलता है, जैन टेक्स्ट में भी मिलता है, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट है चोला एम्पायर जो हमारे साउथ में था, चोला एम्पायर। क्लियर? तो ये कौन से जो है किस चीज में डिवाइडेड होता था उस टाइम पे, तो वो डिवाइड था जी आपका मंडलम, नाडू, कुरम एंड वालानाडू। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मंडलम, नाडू, कुरम, वालानाडू। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट है चंपा। चंपा जो है वो किस चीज, किस जो है कैपिटल, किसकी कैपिटल होती थी, राजधानी होती थी महाजनपदा में से, ठीक है। तो वो राजधानी थी जी आपकी अंगा की। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंगा जो है वहां पे आपकी महाजनपदा में भी एक जो है जनपद थी, तो वहां पे चंपा जो है उसकी राजधानी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कोसला, कोशल राज की जो कैपिटल है वो क्या होती थी उस टाइम पे, तो उसकी कैपिटल थी श्रावस्ती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रावस्ती। क्लियर? नेक्स्ट है गुप्ता एम्पायर के अंदर, जब गुप्ता एम्पायर चल रहा था तो उपारिकारा टर्म किसके लिए यूज होती थी, उपारिकारा टर्म यूज होती थी जो एक एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता था सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता था, जिसे आजकल आप जैसे हम कहते हैं ना जीएसटी वगैरह ले लेते हैं, टैक्स ले लेते हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स लेते हैं हमारे हमसे। क्लियर? तो वो एक्स्ट्रा टैक्स क्या है आपका सारे सब्जेक्ट के ऊपर जो लेने वाला, उपारिकारा। क्लियर? और गुप्ता एम्पायर जो है आपकी एंशिएंट इंडिया की प्राचीन काल की जो है गोल्डन एज कहलाती है, ठीक है। सो गोल्डन एज, क्लियर, ये याद रखना है आपको, गोल्डन एज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट है तुलुवा नारासा, तुलुवा नारासा जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के ऊपर रूल किया है इस टाइम के दौरान 1491 से 1503, ये किस डायनेस्टी, किस वंश को बिलोंग करते, ये करते थे बिलोंग जी तुलुवा डायनेस्टी को, तुलुवा डायनेस्टी। क्लियर? सो आपको मैं एक क्वेश्चन बताइए जी कमेंट बॉक्स में लिख के, विजयनगर एम्पायर की जो है कैपिटल क्या थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और विजयनगर एम्पायर के फाउंडर का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट है ए जनापादीन वॉज द डैश ऑफ जनपदा, यानी कि जनापादीन किसको कहते थे, वो कहते थे जी एक शासक को, रूलर को कहते थे जनापादीन। क्लियर? नेक्स्ट हरिहरा राया टू जो संगमा डायनेस्टी को रूल करते थे विजयनगर एम्पायर में, वो उनका टाइम पीरियड क्या है, उनका टाइम पीरियड जी 1377 से 1404 ईस्वी। क्लियर? तो ये बिफोर क्राइस्ट वाला टाइम आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है 1377 से 1404, सो नॉट इट्स बीसी, इट्स एडी। क्लियर? 1377 से 1404 का टाइम आता है हरिहरा राया टू का। क्लियर? नेक्स्ट है हरिहर राया वन, ठीक है, जो विजयनगर एम्पायर को रूल कर रहे थे 1336 से 1356 में, वो किस वंश को बिलोंग करते थे। अभी हमने डिस्कस किया था हरिहरा राया टू के बारे में कि वो संगमा डायनेस्टी को रूल कर रहे थे, तो ये भी क्या किसको रूल कर रहे हैं जी, संगमा वंश को, संगमा डायनेस्टी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाए। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड इस फैमिली को ग्रो करने में आप हमारी मदद कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।